इस जगह पर अगर आपने भूलकर भी कोई आवाज की तो आपको एक मॉन्स्टर के द्वारा मार दिया जाएगा। ये महिला अपने बच्चों के साथ चल रही होती है कि तभी अचानक इसके पैर से एक स्टील का तार खींच जाता है, जिससे कुछ कांच की बोतलें आपस में टकराना शुरू कर देती है। उन बोतलों की आवाज सुनकर महिला का चेहरा पीला पड़ जाता है। ये महिला तुरंत अपने बच्चों के साथ भागने लगती है। उसी क्षण भागते हुए लड़के का पैर अचानक एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे दर्द से ये चिल्लाने लगता है। उस लड़के के चिल्लाने की वजह से वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे ये महिला अपनी बंदूक से मार देती है। किसी बड़े खतरे से अनजान होकर ये सभी पास ही के खाली पड़े एक खंडहर की ओर भागने लगते हैं। उसी समय एक आदमी खंडहर से बाहर निकलकर महिला के बच्चों को पकड़ लेता है। यह आदमी उस महिला के मुंह को दबाकर उसे आवाज न करने की चेतावनी देता है। अगले ही पल जब ये दोनों ऊपर की ओर देखते हैं तो इन्हें दीवार पे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर ये सभी भागने लगते हैं। लेकिन मॉन्स्टर इनकी सोच से कहीं ज्यादा फुर्तीला और तेज होता है। ये इनके पास जल्द ही पहुंच जाता है। ये आदमी इन सभी को एक तहखाने में कूदा देता है, जहां इन सभी की जान बच सकती है। ये तहखाना इस आदमी की छिपने की जगह है। ये आदमी इस महिला को कहता है कि तुम सभी यहां नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे पास इतने सारे लोगों के लिए पर्याप्त पानी व भोजन नहीं है। लेकिन जब ये महिला उस आदमी को अपना छोटा बच्चा दिखाती है तो ये आदमी इन्हें यहां रहने देता है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट।